तो भाई लोग केजीएफ टू की कहानी हमें ये पढ़कर बताता है, यानी विजेंद्र जो आनंद का बेटा है। और भाई लोग इस बंदे ने हम सभी का बहुत गंदे वाला काटा है, क्योंकि कुछ समय पहले केजीएफ के मेकर्स ने 2 मिनट 5 सेकंड की केजीएफ चैप्टर 3 की अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड की थी, जिसमें 1 मिनट 30 सेकंड पर ये वेटर विजेंद्र को कन्नड़ा लैंग्वेज में बोलता है कि नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, आप किताब को पढ़कर वो बताइए जो इस किताब में लिखा है। और तभी वीडियो के सीन रिवर्स में चलने लग जाते हैं, रॉकी का जहाज आर्मी का जहाज रिवर्स हो जाते हैं और केजीएफ गिरने वाली मिसाइल और ब्लास्ट भी रिवर्स हो जाते हैं। मतलब इस बंदे ने जो भी बताया, रमिका सेन के डेथ वारंट के साइन करने के बाद यानी मिलिट्री केजीएफ में चली गई, रॉकी समुद्र में था गोल्ड के साथ, ये सब झूठ था, क्योंकि ये खुद इसे एक फिक्शन यानी मनगढ़ंत कहानी मानता था और इसे ये सब कुछ अपने बाप का पागलपन लगता था, इसलिए इसने ये सब कुछ रोकने के लिए एक झूठी कहानी बताई। और केजीएफ 3 में हमें रॉकी 1978 से लेकर 81 तक कहां था और रमिका के डेथ वारंट साइन करने के बाद क्या हुआ, ये सब देखने को मिलेगा।